प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत है। इस शाम की प्रार्थना में सभी जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जिसने कलीसिया में पूरा दिन भर संभाला, आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे आने जाने मार्गों में हमारी अगुवाई किया, हमारी मदद किया, हमारी सहायता किया। हर जगह में परमेश्वर ने हमें संभाला, अपने वायदे को पूरा करते हुए हमें अपना फेवर दिया, हमें अपना अनुग्रह दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वह हमारा परमेश्वर जो न्याय करता है और जो विश्वास योग्य है, जो हमारी चट्टान है, हमारी गढ़ है, हमारी ढाल है, हमारा दृढ़ गढ़ है और जो संकट में हमें अति सहज से मिलने वाला हम सब का बड़ा सहायक है। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है और जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें पूरा दिन भर संभाला, हम जहाँ कहीं भी गए और आए प्रभु आपने हमें अपनी सिक्योरिटी दिया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। पूरा दिन भर संभाल के रखा, सुबह को लेकर शाम से लेकर प्रभु शाम के वक्त तक आपने हमें संभाल के रखा और इस समय प्रभु जी आपने हमें एक बार फिर से अपनी हजूरी दी, अपनी जीवित हजूरी दिया, अपनी पाकित पाक हजूरी दिया। कहें हर एक जाए कि प्रभु जी हमें इस हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन अपना मुंह खोलकर कहें, प्रभु हम दिल की गहराई से इस हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो हजूरी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं परमेश्वर की हजूरी है, जहां कहीं परमेश्वर शामिल है, जहां आप बैठ के प्रार्थना करें वहां पर क्या हो गया, आपने परमेश्वर की हजूरी को मांग लिया, आप एक मन हो गया, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लग गया। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि वहां पर क्या है, स्वतंत्रता है, वहां पर है स्वतंत्रता, आजादी है, क्या है, फ्रीडम है, हालेलुया, छुटकारा है, चंगाई है। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। इस हजूरी के लिए सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें और अपने जीवन में प्रभु ने जो आज के दिन तक संभाला, जो पूरा दिन भर हमारी अगुवाई किया है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। वो सामर्थ्य है, वो पाक परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो जलाल से भरा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपकी सारी भलाई के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, अपने हाथों पे लिए फिरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सारे बोझ को उठाया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आप हमारी कमजोरी में हमारा बल बढ़े, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने समय समय पर हमारी सारी जरूरतों को, आपने स्वर्ग रूपी भंडार को खोल के पूरा किया परमेश्वर पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बीमारियों से चंगाई देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें रिहा करने ले प्रभु, हमें आजाद करने ले प्रेमी पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता आपकी सारी भलाई के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु, जो आज के दिन तक आपने संभाला, दी हुई सांसों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कलीसिया जितने जन इस समय अपने जीवन की हर एक बात के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की मसीह में हमारे जीवन में से यही एकमात्र इच्छा है कि जब हम मसीह में है तो हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो भेदों को खोलता है, जो अद्भुत युक्ति करता है, जो बड़े बड़े कामों को करता है और हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। हमारी बड़ी सहायता करने वाला परमेश्वर, वो हमारा बड़ा सहायक है, वो हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम दुख में होते हैं तो जब हमें कोई नहीं पूछता, जब हमें किसी को बता के भी हमारा दुख जो कम नहीं होता, तो हमारा परमेश्वर के जब करीब आते हैं, हम अपने प्रभु से अपना सारा दुख खोल के कहते हैं, अपनी सारी बात उससे कह देते हैं, तो वो हमें अपनी खुद की शांति से परिपूर्ण कर देता है, भर देता है। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो सारी पृथ्वी और आकाश का मालिक है, आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
वो तूफानों को थमाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, जल वायु सब उसके अधिकार में है, उसकी बात को सुनते, उसकी आवाज को सुनते हैं, हालेलुया, बादलों पे भी वो मालिक है, हालेलुया। इस हमारा परमेश्वर क्या है, वो मालिक है, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इस आकाश का वो मालिक है। आज उस मालिक का धन्यवाद करते हुए अपने आप को उसके जलाली और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक जान अब जहां कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्ट है, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो दुख, वो लाचारियां, वो कमजोरियां, वो बीमारियां आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर जगह में हमें अपनी सुरक्षा देता है, आज उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुन लेता है, संकट में हमारे संग रहता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस, और उसके हाथों में सरेंडर करें। सरेंडर करें कलीसिया, जहां कहीं से भी आप इस समय प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। एनी स्टेट से, हालेलुया, फॉरेन से, इंडिया के किसी स्टेट से, MP, UP, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। हरियाणा से इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी अदर स्टेट से आप कनेक्ट हैं इस समय, अपने आप को, अपने घर की परिस्थितियों को, अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज बहुत सारा यूथ अपने जीवन को लेके, अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, दुखी है, निराशा में है। आज इस समय यदि आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, प्रभु की अगुवाई को मांगे, कहें परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो जाए, मैं अपने जीवन को आपको दे देता हूं, मैं अपने जीवन के आने वाले एक एक दिनों को परमेश्वर आज इसी वक्त आपके जलाली और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करता हूं, क्योंकि आपको मुझसे अधिक मेरी चिंता है, मेरा ध्यान है, मेरी फिक्र है। आज कहें प्रभु जी मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूं, आप मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना जानने वाले परमेश्वर, आज कहें प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वायदा है, भजन संहिता जब हम 91 में पढ़ते थे, प्रभु का वायदा है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन, परमेश्वर कहते कि मैं दिखाऊंगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें लंबी आयु देगा तब जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हर परिस्थिति में कोई हमें बोल रहा है कि तुझे परमेश्वर में आए हुए इतना समय हो गया, तुम यीशु मसीह को मानते हो, संगति करते हो, भवन में जाते हो, आज भी दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, तो ये क्या है, ये किसी को मौका मिल रहा है और आपको क्या करना है, आपको आत्मा में बने रहना है। तो भी ये सब बातें होने से भी आपको अपने अंदर शांति बना के रखनी, क्यों, क्योंकि आप प्रभु के जान चुके हैं, उसकी सामर्थ को जान चुके हैं, क्योंकि ये आज आपको दुख की तराई में से निकलना है तो आप कल जयवंत हो जाएंगे, कल आप उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज आपको सुनना पड़ रहा है, इसलिए आज आपको बोल रहे हैं, तो ये समय आपका चुप रहने का है, क्योंकि आप एक अद्भुत 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 और बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखने जा रहे बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जिसका वायदा है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज आपके पास जॉब नहीं है, आज आपको अपनी जॉब के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है, और जैसा आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको क्या है कि परफेक्ट जॉब नहीं मिल पा रहा है, सूटेबल जॉब नहीं मिल पा रहा। आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, और आज आपको प्रभु के इस वचन को क्लेम करना है। वो लोग जो अभी तक भी बेस्ट जॉब को नहीं पाए हैं, जो जिनके पास जॉब नहीं है, आज परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हाथ रखें। भजन संहिता 128 उसका 2 वचन, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज आपको हाथ रखें इस वचन के ऊपर, प्रार्थना करना
कहना कि प्रभु जी आपका ये वायदा मैं अपने जीवन में क्लेम करता हूँ कि मैं निश्चय अपनी कमाई को खाने पाऊंगी, मैं निश्चय अपनी कमाई को खाने पाऊंगा। आज परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट जॉब का इंतजाम कीजिए। हालेलुया, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन कम है, पर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ये वायदे के परमेश्वर को क्लेम करके जा रहे हैं तो वह आपको ऊंचा करने जा रहा है, वह आपको बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट पोजिशन पे खड़ा करने जा रहा है प्रभु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी सर। आज आप क्या है, आपके घर में बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आपकी मैरिज को बहुत देर हो चुकी है और बेबी ब्लेसिंग नहीं है। प्रभु का वायदा भजन संहिता 128 उसका 3 कि तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत का मतलब क्या है, वो फलेगी। हालेलुया, तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे। हालेलुया, और परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करो और कहे परमेश्वर हमें फलवंत कीजिए, हमें फलवंत कीजिए। आपका वायदा है, आज परमेश्वर भजन संहिता 128 का 3 वचन को हम क्लेम करते हैं कि हमारे घर को फलवंत कीजिए, हमारे घर को परमेश्वर अपने वचन से आज फलवंत कीजिए, अपने वायदे को पूरा कीजिए और हमें फलवंत कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। से प्रभु का वचन क्या कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, परमेश्वर का वायदा कि तो भी परमेश्वर कहते कि मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी शांतिदायक वाचा, मेरी शांतिदायक वचन तुझसे कभी भी टलेंगे नहीं, तुझसे कभी भी अलग नहीं होंगे, मेरी दया तुझ पे बनी रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करना शुरू करे। यशाया 54 उसका 10 परमेश्वर का वायदा कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसके वचन हमारे जीवन में बने रहेंगे। वो वचन जो हमें शांति देते हैं, जो वचन हमें तसल्ली देते हैं, वो वचन हमारे जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और इस समय हम अपने परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 वचन से। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो परमेश्वर कहते कि आज मैं तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर हमसे अपने वचन से आज बात करते हैं, अपने वचन से हमें सेटिस्फाइड और तृप्त करते हुए कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु के जो वचन है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, कि हमारा परमेश्वर महान है और वो हमें चंगा करने वाला है, वो हमें छुटकारा देने वाला है, वो हमें कैद से रिहा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें उठा के खड़ा करने वाला प्रभु है, वो हमारी बीमारियों के बिस्तरों से हमें उठाने वाला है, वो हमारी हड्डियों की रक्षा करने वाला है। प्रभु कहते हैं कि जब तुम ऐसे वायदों के ऊपर, आज्ञाओं के ऊपर विश्वास करो, तो प्रभु कहते हैं कि क्या कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया, और प्रभु कहते हैं कि ये सारी आज्ञाएं तो अपने मन में रखना, और अपने बच्चों को उनके उठने, बैठने, चलते फिरते समय में भी उन्हें भी वो आज्ञा दिया करना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर आप उन्हें चलाना चाहते हैं। आज आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम को मानते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, और आपके बच्चे क्या है, कोई और ही दिशा पकड़ ली है। आपको अपने बच्चों को बचपन से ही उन बनाना है, उनके जीवन को आत्मिक जीवन बनाना है। आपने प्रार्थना करना है तो अपने बच्चों को लेके प्रार्थना करना है, उन्हें बताएं कि उन्हें कब प्रभु के वचन को मेडिटेट करना है, उन्हें सुबह उठना है तो परमेश्वर के सम्मुख सबसे पहले घुटने टेक करके बैठना है, वचन को पढ़ना है, फिर उन्होंने उनको किस तरह से परमेश्वर में बने रहना है, आपको अपने बच्चों को आज ही सिखाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है, यदि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु का सच्चा भक्त हूँ, मैं ही परमेश्वर को ज्यादा मानता हूँ, मैं ही ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू कहता है कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और मेरे वचनों पे ना चले, मेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में ना बना के रखे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा वचनों पे और मुझ पे विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर, वो महान है,
हालेलुया। जहां कुछ नहीं वहां पर वह सब कुछ पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जंगल में वह खाना खिलाने वाला, वह पानी देने वाला परमेश्वर है, वह सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इसे परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू मुझ पे विश्वास करता है, मेरी आज्ञाओं पे चलता है, और परमेश्वर कहते हैं कि तू उन आज्ञाओं को, उन वचनों को अपने ऊपर लागू ना करे, अपने अपने जीवन में उन आज्ञाओं को ना माने, अपने बच्चों का नाम उस वचन के आधार पर चलाए, तो परमेश्वर कहते कि तुम्हारा मेरे पर विश्वास करना जीरो है, व्यर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के वचनों पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे तमाम वायदे करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन पे बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे हर परिस्थिति में, तो वो हमारी आयु को दीर्घायु करेंगे, हम हृष्ट पुष्ट रहेंगे, हमारे खत्ते हमारे भरे रहेंगे, उन हमारे रस कुंडों में से दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हमारे संतान प्रतापी होंगे, हमारे बच्चे आशीषित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, इसी वक्त सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दयावंत परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, एक एक जन प्रभु, जितने जन इस समय आपकी हजूरी में है, हर एक जनों को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं, आपके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते, समर्पण करते प्रभु। एक एक जनों को छुए लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए और आजाद कीजिए, और आजाद कीजिए। सारी दांतों की प्रॉब्लम इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, मसूड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, जो जबड़ा दर्द करता है, जहां इस समय आपके मुंह में प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। इसी वक्त हर एक आपके फेस की प्रॉब्लम, आपके दांतों की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमानेंट आजाद हो जाए, परमानेंट चंगाई आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्टोन सिस ट्यूमर, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से वो वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए आपके शरीर से, आपके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सामर्थ्य 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 यीशु के नाम से वो सिस्ट, वो ट्यूमर, वो स्टोन, वो वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो बीपी कम होता बढ़ता है, यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हड्डियों की बीमारी से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हड्डियों की बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मांसपेशी में जो दर्द है, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुए और चंगाई दे, और चंगाई दे, और चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हालेलुया, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द, इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगाई को ग्रांट करें यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका अन्न जल खा, जो भी आप खाते हैं, आपका खाना, वो ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज आपको अपने प्रेम से भरे, आज आपको अपने प्रेम से भरे, अनकंडीशनल अगाप्य प्रेम से भर दे परमेश्वर आज इनको। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सिकनेस वीकनेस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा के अटैक खिलाया पिलाया यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके घर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए। नशे की दुष्ट आत्मा इसी वक्त आपके जीवन से, आपके घर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, जाए, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा आज जो होली गोस्ट फायर करते, फायर करते, फायर करते इनके जीवनों से, इनके घरों से, आज जो फायर करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हर एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रेम है, शांति है, मेल मिलाप उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जहां भी आप जॉब करते हैं, वहां पर आप
अलग ताई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु के नाम से सुपर ब्लेस्ड हो जाए, सुपर ब्लेस्ड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वहां पर आपकी आपकी वजह से आपका बिजनेस, आपका वहां पर काम करना शाइन हो, सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, जॉब के लिए इंतजाम कीजिए प्रभु, जिनके पास घर नहीं है घर का इंतजाम करके देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी शर्मिंदगी यीशु के नाम से जाए, हर एक तरह की शर्मिंदगी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जहां कहीं भी आते और जाते प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो पासपोर्ट इस समय वीजा के लिए गए हुए, इमिग्रेशन में गए हैं, जो अभी तक आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर अभी तक आपको वीजा का स्टैंप नहीं मिला है, हालेलुया, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक शर्मिंदगी आपके जीवन को छोड़ के जाए 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 प्रभु मसीह के सामर्थी नाम से। शर्मिंदगी के जीवन से होली गॉस्ट फायर 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 प्रभु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस, रुकी हुई रेडियां, दुकानें यीशु के नाम से चलने लगे। अपने बिजनेस को सुपर ब्लेस की घोषित कीजिए यीशु के नाम से, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, अपने बिजनेस का नाम लेके उसे ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक बिजनेस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जो बार बार बिजनेस पिता परमेश्वर इन्हें बंद करना पड़ता है प्रभु, आज आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए आज प्रार्थना करते हैं। कर्जों की दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, कर्जों से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घर की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रेमी पिता, जब आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट इनके जीवन में होने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट और बेस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम से आज हम बेस्ट को रिसीव करते हैं। सभी जान जिस हिस्सों में आप बेस्ट को देखना चाहते हैं, आज कहे प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से, आपके जीवित नाम से आज हम बेस्ट को रिसीव करते हैं, आज हम बेस्ट को रिसीव करते हैं, आज हम बेस्ट को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी सर, धन्यवाद। जो प्रॉपर्टी बेचना खरीदना चाहते हैं यीशु के नाम से, बेस्ट इंतजाम आपके लिए होने के लिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी सर, हालेलुया प्रभु। जिनके पास घर नहीं है घर का इंतजाम कीजिए, श्रापों से आजाद कीजिए, हर एक तरह के श्रापों से आजाद कीजिए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए, मेडिसिन के जीवन से परमानेंट आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी सर। प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, रात भर प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, फुल नाइट प्रार्थना करने का आत्मा देने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने वचन को पढ़ने का, उसके अनुसार चलने का, उसके उसके ऊपर बने रहने का आत्मा देने के लिए जनों को प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। आप सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रेमी पिता, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हर एक जन अपने हाथों को उठाएं और होने वाले इलेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देता, इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो जाए। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु प्रभु, आप बेस्ट और बेस्ट करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने जन इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, प्रभु का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, मदद और सहायता करे, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, आर्मी के डिपार्टमेंट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फाइनेंस के, टैक्सेशन के, बैंकिंग डिपार्टमेंट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते, क्लीनिनेस के डिपार्टमेंट्स को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते, हर एक बिजनेस को, हर एक डिपार्टमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सरेंडर करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रभु जी आपका नाम बड़ी महिमा को पाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में, गर्मी के दिनों में हर एक जनों को संभाल के रखना प्रभु, हर हानि हर नुकसान से बचाना, सब एक्सीडेंट से बचा के रखने प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपका नाम बड़ी महिमा को पाए, बड़े जलाल को पाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत बहुत ही नजदीक है, उस आगमन के सभी को तैयार करें, उसके लिए
निर्दोष और निष्कलंक बनाए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलीसिया सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थनाओं को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी को इनवाइट करते आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई के लिए। अपनी टिकट्स को बुक कराएं, इंतजाम करें। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं अपने उन्हें लेके आना है। लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखना है। और यदि आप अपने स्पेशल बीजों को 25 जुलाई की मीटिंग के लिए बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म के कामों के लिए बोना चाहते हैं, भवन की जमीन के लिए बोना चाहते हैं, तो आप क्यूआर स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए परमेश्वर के भवन में अपने बीजों को बो सकते हैं। अपने अपने ऑफरिंग को जो प्रभु के राज्य में आप वफादारी से बो रहे हैं तो अब वो भी आप बो सकते हैं। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं, इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। और लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहे कलीसिया हालेलुया।